हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक सिर्फ जो महाराष्ट्र बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें ही है, सीबीएसई के सिलेबस में वो टॉपिक नहीं है, जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लेकिन बच्चों, इसके पहले एक बात याद रखेंगे कि हमने जब चैप्टर शुरू किया तब देखा कि कार्बन कैसा है। तो कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है जिसमें हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, जो कि वो वर्सेटाइल होने के कारण बहुत सारे कंपाउंड्स उसने फॉर्म किए, बहुत सारी सब्सटेंसेस जो कि कार्बन से बने हुए हैं। तो क्या है उसकी जो प्रॉपर्टी, वो कौन सी थी? तो देखो बच्चों, होता कैटेनेशन, तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं कि वो सेल्फ कार्बन कार्बन के साथ ही लिंक होता है बाय कोवेलेंट बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है बच्चों। और दूसरी बात है उसकी टेट्रा वैलेंसी। तो टेट्रा वैलेंसी मतलब उसकी जो वैलेंसी फोर है, तो वो जो फोर इलेक्ट्रॉन्स है वो बाकी दूसरे एलिमेंट दूसरे जो एलिमेंट्स है उनके साथ शेयर करके उनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो वो जो एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन या चार भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो बच्चों, तो ये बात हम यहाँ पर याद रखेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह से मैक्रो मॉलिक्यूल फॉर्म करवाता है। तो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़ा लंबा वो मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकता है, जो कि हमने अभी बात की कैटेनेशन की, कार्बन 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 बहुत सारी लॉन्ग चेन, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा कि उसका जो मॉलिक्यूलर वेट था वो 10^1 to 10^12। देखो सोचो, 10^12 मतलब कितना बड़ा मॉलिक्यूल्स हो सकता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स ये जो कार्बन फॉर्म करता है बच्चों, तो वो उसके बारे में आज पढ़ने वाले, ठीक है बच्चों। तो देखो, मैक्रो मॉलिक्यूल्स और वो पॉलीमर्स, पॉलीमर्स के बाद में इसके बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या हो देखेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड जो कि मैंने अभी बताया कि वो 10 मिलियन से भी ज्यादा है, रेंज है उनका मॉलिक्यूलर मास की 10^1 to 10^2। तो ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल क्या रहता है, जायंट कार्बन मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल रहता है, फॉर्म बाय द हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एटम। तो सोचो वो मॉलिक्यूल कितना बड़ा होगा, एंड दे आर कॉल्ड एज मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों। तो ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नेचुरली भी अवेलेबल है और मैनमेड भी, ठीक है। तो नेचुरली जो अवेलेबल कहाँ है, तो जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो कि स्टार्च एंड सेल्यूलोज जो प्लांट में रहता है, प्लांट अपना फूड जो है वो स्टार्च में स्टोर करके रखता है। तो स्टार्च एक कार्बन कंपाउंड है कि एंड ये सेल्यूलोज भी है, एक कार्बन कंपाउंड है, क्योंकि ये सबसे बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, बहुत थाउजेंड्स एटम्स उसमें रहते हैं कार्बन के, ठीक है। देन प्रोटीन, तो प्रोटीन तो आपको पता है बच्चों, तो प्रोटीन हमारे बॉडी में कितना काम आता है, बहुत सारे प्रोटीन्स हमारे बॉडी में होते हैं जो हार्मोन से हार्मोन्स बनते हैं, डाइजेस्टिव जूस बनते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस से प्रोटीन प्रोसेस जो बायोलॉजी में हमने पढ़ा है, ओके। तो ये जो प्रोटीन है ये भी एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बहुत सारे ये जो फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस हमारे बॉडी में चलते हैं उसके लिए प्रोटीन्स की जरूरत होती है। देन न्यूक्लिक एसिड, तो आपको तो पता है ये डीएनए और आरएनए ये भी कार्बन एटम ही है, मतलब कार्बन कंपाउंड ही है, कार्बन कंपाउंड से ही ये बने हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड ये जो न्यूक्लिक एसिड है राइबो न्यूक्लिक एसिड ये भी हमारे लाइफ का तो बेस है, ये तो आपको पता है, ठीक है। एंड देन रबर जो है, रबर भी एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। तो बच्चों ये हो गए सभी मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में जो कि आपके बुक में ये सारे इतने एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मैनमेड की। तो मैनमेड बच्चों देखो, इंटेंशनली क्या किया कि लेबोरेटरी में इसको फॉर्म किया, इन्वेंट किया, हाँ किसके लिए, तो अल्टरनेटिव फॉर द रबर एंड सिल्क। लेकिन जैसे जैसे इसमें इन्वेंशन होता गया तो बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स ह्यूमन ने बना लिए, ठीक है। तो वो था पहले फाइबर, जिसकी स्ट्रेंथ मतलब मैनमेड ने बनाया हुआ, मैनमेड से मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल है वो कार्बन कंपाउंड से बना हुआ वो फाइबर था, तो जिसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा थी, जैसे कि कॉटन का फाइबर रहता है, ओके, सिल्क का फाइबर थे, उससे ज्यादा और वही प्रॉपर्टी लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रेंथ इसमें रहता है। देन इलास्टोमर्स,
बराबर, जो रबर में जो इलेस्टिसिटी थी, तो ये भी यहाँ पे इलेस्टोमर्स भी बहुत सारे यहाँ पे रबर जैसे सब्सटेंस फॉर्म किए गए। एंड देन प्लास्टिक, तो आपको ये सभी को पता है प्लास्टिक क्या है, बहुत सारे थिंग्स जो है कि प्लास्टिक से बने हुए। ठीक है बच्चों, तो ये सब हो गए नेचुरल एंड मैनमेड के एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर द पॉलीमेरिक इन नेचर। क्या है? पॉलीमेरिक इन नेचर। तो पॉलीमर्स क्या है, कुछ इसके बाद हम भी देखेंगे। ठीक है, तो पॉलीमर जो होते हैं बच्चों वो रहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बराबर। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय द रेगुलर रिपीटेशन ऑफ स्मॉल यूनिट। जो स्मॉल यूनिट जो रहते हैं उसके अगर हम रेगुलर रिपीटेशन से उसके अरेंजमेंट अगर करेंगे तो वो बन जाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। समझे, स्मॉल यूनिट, क्या बोला है वहां पे, स्मॉल यूनिट। समझो यहाँ पे हमने इथिन लिया है, बराबर है, यहाँ पे हमने इथिन का एग्जांपल दे, तो इथिन एक क्या है, स्मॉल यूनिट है, बराबर। बहुत सारे इथिन 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 एक दूसरे को अगर ज्वाइन करेंगे तो पॉलीइथिन वो बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, तो स्मॉल यूनिट जो रहते हैं वो मोनोमर रहते हैं और मोनोमर से पॉलीमर फॉर्म होते हैं। जो स्मॉल यूनिट है उनको कहते हैं मोनोमर और मोनोमर से बनता है पॉलीमर। ठीक है बच्चों, तो मोनोमर से जो पॉलीमर बनता है उसको ही पॉलीमराइजेशन कहा जाता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड एज पॉलीमर। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल लिया था मैंने जो दिया कि पॉलीथीन, तो किस तरह से बनता है। देखो बच्चों, अभी हम मोनोमर की बात कर रहे थे, एक स्मॉल यूनिट जो रहता है, तो मोनोमर में सबसे हम स्मॉल यूनिट पहला लेंगे वो था, वो रहेगा C2 डबल बॉन्ड C2। ठीक है बच्चों, ये एक मोनोमर है इथिन का या फिर इथिलीन का। ठीक है, इसका कॉमन नेम इथिलीन भी है। ठीक है, तो इथिलीन का एक मोनोमर है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ मोनोमर्स अगर हम यहाँ पे ऐसे ऐड करते जाएंगे बहुत सारे, और इसका अगर हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा पॉलीथीन, जैसे कि सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, और इधर लग जाएगा हाइड्रोजन। तो ये हो गया पॉलीथीन। ठीक है बच्चों, ऐसा आगे चलता जाएगा। तो ये मोनोमर था और ये मोनोमर इथिलीन था। ठीक है, और यहाँ पे हमने मोनोमर्स लिए, मतलब बहुत सारे मोनोमर्स लिए, और तब जाके यहाँ पे हमको मिला इथिलीन, पॉली इथिलीन, पॉली अच्छे से लिखता हूं, पॉली इथिलीन। तो ऐसा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो पॉली मतलब बहुत सारे, मेनी, तो ये मेनी हम बहुत लंबा पॉलीथीन का एक शीट फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मैक्रोमोलिक्यूल्स रहते हैं। तो बच्चों, मॉलिक्यूलर जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो स्मॉल यूनिट से मतलब मोनोमर से फॉर्म होते हैं, ये अभी हमने देखा। ठीक है, उसका एग्जांपल भी देखा इथिलीन, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा, लेकिन उसके यूजेस भी आप भी यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। और देखो बच्चों क्या क्या है, तो ये सबसे पहला है मैक्रोमोलिक्यूल, उसका नाम है पॉलीइथिलीन। जो इसका जो मोनोमर है उसको कहते हैं इथिलीन, मोनोलर मोनोमर जो है इसका फार्मूला, जे इसका मोनोमर का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, मोनोमर का स्ट्रक्चरल फार्मूला, अगर ये इथिलीन का मोनोमर का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, अगर इसे नंबर ऑफ मोनोमर्स या फिर इथिलीन अगर हम ऐड करेंगे या एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, पॉली इथिलीन। ठीक है, ये पॉली इथिलीन का क्या है, मोनोमर है। ठीक है, तो उससे इसका यूज देखो बच्चे, कैरी बैग्स, पॉलीथीन की कैरी बैग्स, स्पोर्ट्स वेयर्स वगैरह इससे बनाते हैं। देन पॉलीस्टीरीन, क्या है पॉलीस्टीरीन, उसके मोनोमर का नाम है स्टीरीन, जिसमें C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो C6H5 है ये जो है यहाँ पे इस तरह से हेक्सागोनल फॉर्म में रहता है, रिंग फॉर्म में रहता है, और कार्बन एटम को अटैच रहता है सिंगल, ये याद रखना, अल्टरनेट यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है। तो इस तरह का ये स्टीरीन का एक मोनोमर का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्म करवाता है पॉलीस्टीरीन, जो यूज होता है थर्मोकॉल आर्टिकल्स में। देन बात करते हैं
पॉलीविनिल क्लोराइड पीवीसी, हमने ना आपने बहुत बार नाम सुना होगा पीवीसी पाइप्स वगैरह। तो देखो इसका जो मोनोमर है उसका नाम है वेनिल क्लोराइड, जो सीएल सिंगल बॉन्ड सीएल डबल बॉन्ड सीएच2, ये इसका वेनिल क्लोराइड का मोनोमर का स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर ऐसे नंबर ऑफ मोनोमर्स अगर एक दूसरे से इसका पॉलीमराइजेशन अगर किया जाता है तो वो फॉर्म करवाता है पॉलीविनिल क्लोराइड, जो कि यूज होता है पीवीसी डोरमैट ट्यूब बैग्स इन द हॉस्पिटल। नेक्स्ट है पॉलीएक्रिलोनाइट्रेट, जिसका फार्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। एक्रिलोनाइट्रेट ये मोनोमर है बच्चों, ये मैक्रोमोलिक्यूल का मोनोमर। अगर इसके रेगुलर अरेंजमेंट की जाए, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये ब्रांच चेन में कार्बन आइटम आता है उसको नाइट्रोजन अटैच होता है। ये मोनोमर अगर रेगुलर अरेंजमेंट इसकी की जाती है, नंबर ऑफ मोनोमर अगर लगाएंगे तो फॉर्म होता है पॉलीएक्रिलोनाइट्रेट, जिससे बनाते हैं विंटर क्लोथिंग एंड ब्लैंकेट। देन टेफ्लॉन, टेफ्लॉन कोटिंग तो सब आपको ये सभी को पता है, जो व्हीकल को करते हैं या फिर नॉन स्टिकिंग जो कुकवेयर रहते हैं उसके लिए CF2 डबल बॉन्ड CF2, तो इसको कहते हैं टेट्रा फ्लोरो, चार का फ्लोरिन है तो टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। ठीक है, तो ये जो इथिन है इथिलीन, इथिन का हुआ इथिलीन को, ठीक है, तो ये टेट्रा फ्लोरो इथिलीन, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है मोनोमर का। ये एक मोनोमर है, मोनोमर नंबर ऑफ मोनोमर लेंगे तो ये फॉर्म करेगा टेफ्लॉन, दैट इज यूज किया जाता है नॉनस्टिक कुकवेयर में। ओके, देन पॉलीप्रोपिलीन, प्रोपीन का फॉर्मूला तो आपको पता है सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। प्रोपिलीन जो कॉमन नेम है, प्रोपीन भी इसको कहा जाता है, ठीक है, पॉलीप्रोपीन। तो देखो बच्चों सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, इसको अगर लेकिन ब्रांच चेन में, तो ये अगर नंबर, ये इसका मॉलिकुलर फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर ये समझो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के रेगुलर अरेंजमेंट करेंगे तो ये बन जाएगा पॉलीप्रोपिलीन मैक्रोमोलिक्यूल। तो इसमें यूज होता है इंजेक्शन सिरिंज, जो इंजेक्शन सिरिंज रहती है उसमें, इन फर्नीचर जो बनाते हैं टेबल या टेबल कुर्सी जो बनाते हैं ना उसके, ठीक है। तो इस तरह से मैक्रोमोलिक्यूल के बारे में हम अब देखते हैं बच्चों कि नेचुरल पॉलीमर्स का उसके मोनोमर्स कौन कौन से। सिंथेटिक के तो हमने देख लिए हैं, सिंथेटिक पॉलीमर जो है, अब देखते हैं कि नेचुरल पॉलीमर्स जो है उसमें उनके मोनोमर्स कैसे रहते हैं। तो बच्चों उनका जो कंपोजिशन है, मोनोमर का कंपोजिशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसकी बात, वो अगर हमें देखना है तो हमें क्या करना पड़ता है कि पॉलीमर को है ना डिकम्पोज करना पड़ता है। जैसे कि जो पॉलीसेक्राइड्स है वो स्टार्च है, स्टार्च में प्रेजेंट रहते हैं, स्टार्च का डिकम्पोज करोगे तो उसमें हमें ग्लूकोज मिल जाएगा, ठीक है। देन सेल्यूलोज है जो वुड में प्रेजेंट रहता है, उसका अगर डिकम्पोज करेंगे तो ये ग्लूकोज का मोनोमर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब इनके मोनोमर्स है और उनका ऑकरेंस है, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए तो आपको पता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लियोटाइड्स में रहते हैं मोनोमर्स इनके, और उससे क्रोमोसोम्स एनिमल एंड प्लांट्स के क्रोमोसोम्स बनते हैं। देन बात करते हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन बच्चों ये अमीनो एसिड्स में प्रेजेंट रहते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं, सॉरी ठीक है, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं। तो प्रोटीन जो प्रेजेंट रहते हैं मसल्स हेयर एंजाइम्स और एग्स में, मतलब बॉडी पूरी हमारी प्रोटीन से बनी हुई है, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होते हैं। तो बच्चों इनका अगर डिकम्पोजिशन करेंगे तो ये हमें मोनोमर्स मिल जाएंगे, और ये मोनोमर्स से बनते हैं ये पॉलीमर्स, ठीक है। रबर लेटेक्स, इसमें आइसोप्रीन रहता है CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, जो कि रबर का, जो रबर का ट्री का जो लैटेक्स रहता है, मिल्की सब्सटेंस रहता है, उसमें वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से नेचुरल पॉलीमर्स को भी याद रखेंगे, बहुत सिंपल है, दोनों के ग्लूकोज है, आरएनए डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, फर्स्ट चैप्टर में आपने, सॉरी बायोलॉजी में आपने पढ़ा है। देन रबर, रबर का सिर्फ इतना याद रखना है आइसोप्रीन और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला और लैटेक्स, तो ये तो आपको पता ही, बाकी ये सब ही पता है, न्यूक्लियोटाइड कहाँ रहते हैं, ग्लूकोज कहाँ प्रेजेंट रहता है, और ये अमीनो एसिड्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, सभी जो बॉडी जो एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, मसल है, ये सभी चीज़ें अमीनो एसिड से बनती, प्रोटीन से बनती है, ठीक है बच्चों। तो ये होता है नेचुरल पॉलीमर के
पॉलीमर्स मोनोमर्स और उनका ऑकरेंस। ठीक है बच्चों, तो अभी स्टूडेंट्स अब बात करते हैं पॉलीमर के टाइप की। तो पॉलीमर के दो टाइप होते हैं, होमो पॉलीमर यानी कोपो को पॉलीमर। ठीक है, होमो और को ये दो वर्ड्स याद रखना। तो होमो पॉलीमर में क्या रहता है कि सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर रहता है, सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर्स। ओके, सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर्स रहते हैं तो उसको होमो पॉलीमर बोलेंगे। और को पॉलीमर में टू और मोर टाइप्स ऑफ मोनोमर इसमें प्रेजेंट रहेंगे। तो ये दो बातें इसमें याद रखेंगे। और इसके एग्जांपल पॉलीथिलीन, पॉलीस्टेरीन, पीवीसी और टेफ्लॉन, ये सभी मोनोपॉलीमर है। और कोपॉलीमर जो है वो है पीईटी, जो कि हमारा जो प्लास्टिक जो रहता है उस पर लिखा रहता है पीईटी वगैरह। तो पॉलीथिलीन टेरेप्थैलेट ये जो है पीईटी का लॉन्ग फॉर्म है, तो ये एक कोपॉलीमर है। देन पीईवीए जो कि पॉलीथिलीन विनाइल एसीटेट। तो ये दो एग्जाम्पल यहाँ पे कोपॉलीमर के हम याद रखेंगे। तो इस तरह से ये मैक्रोमोलिक्यूल एंड पॉलीमोलिक्यूलर हमने यहाँ पे पढ़े हैं। बच्चों इसको अच्छे से लर्न करना और इसको याद रखना है। ठीक है।